प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात ने अब तक कई शख्सियतों को उच्च सदन राज्यसभा पहुंचाया है, जिसमें अब विदेश मंत्री एस जयशंकर का नाम भी शामिल हो गया है। आज उन्होंने गुजरात सीट से नामांकन दाखिल किया, तो अब तक किस किस को गुजरात ने भेजा राज्यसभा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 मई को शपथ ग्रहण के दौरान पूर्व विदेश सचिव एस जयशंकर को केंद्रीय मंत्री पद की शपथ दिलाकर पूरे देश को चौंका दिया था। इसके बाद जब पीएम मोदी ने मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों के विभागों का बंटवारा किया, तो उसमें एस जयशंकर को बेहद महत्वपूर्ण विदेश मंत्रालय की कमान सौंपी गयी और अब पीएम मोदी ने राज्यसभा भेजने का फैसला भी लिया है। आपको बता दें कि एस जयशंकर को मंत्री पद पर बने रहने के लिए संसद के किसी एक सदन का सदस्य होना जरूरी है, इसलिए पार्टी ने उन्हें गुजरात से राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया है। लेकिन यहाँ एक गौर करने वाली बात ये भी है कि गुजरात में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, वित्त मंत्री अरुण जेटली, स्मृति ईरानी समेत कई दिग्गजों को भी राज्यसभा भेजा है। कई विदेश मंत्रियों ने भी गुजरात से ही राज्यसभा का सफर तय किया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व विदेश मंत्री माधव सिंह सोलंकी और पी शिव शंकर भी गुजरात से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो चुके हैं। गुजरात से राज्यसभा पहुंचने वाली शख्सियतों की सूची में प्रणब मुखर्जी का नाम सबसे ऊपर है। 1981 से लेकर 1987 तक वो राज्यसभा सदस्य रहे। कांग्रेस सरकारों में कुछ अहम मंत्रालय संभालने के अलावा वो 2012 में देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद यानी राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंचे। गुजरात के कई पूर्व मुख्यमंत्री भी राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो चुके हैं। इसमें शंकर सिंह वाघेला, आनंदीबेन पटेल, केशुभाई पटेल और घनश्याम ओझा का नाम शामिल है। और अब एक और प्रभावशाली शख्सियत एस जयशंकर का नाम भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।